मेरे प्यारे दोस्तों, सज्जन मित्रों, हम आपको बताने जा रहे हैं एंटीसेप्टिक बेल क्या होती है और सीआरपीसी की कौन सी धारा में एंटीसेप्टिक बेल अर्थात की 438 एंटीसेप्टिक बेल अर्थात की किसी भी व्यक्ति को यह संदेह है कि उसके ऊपर ये अपराध या उनको पकड़ने का पुलिस द्वारा उसको गिरफ्तार करने का संदेह है तो वो 438 के तहत एंटीसेप्टिक बेल करवा सकता है उच्च न्यायालय के जरिए या सेशन न्यायालय के जरिए। तो बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। अग्रिम एंटीसेप्टिक बेल को अग्रिम जमानत भी कहा जाता है। इसे प्रत्याशित जमानत भी कहा जाता है। जब किसी मामले में गिरफ्तारी के समय उसे पूर्व जमानत की प्रत्याशा हो तो ऐसी जमानत प्रत्याशित जमानत कहलाती है। अग्रिम जमानत का आदेश कारण सहित होना अपेक्षित है। अग्रिम जमानत का खाली आदेश पारित किया जाना मात्र पर्याप्त नहीं है। अग्रिम जमानत के लिए केवल उच्च न्यायालय अथवा सेशन न्यायालय में आवेदन किया जा सकता है। अग्रिम जमानत जो है केवल उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय में ही जमानत के लिए एंटीसेप्टिक बेल के लिए आवेदन किया जा सकता है। ऐसी शर्तें जो 437 की धारा 3 के अधीन अधिरोपित की जा सकेगी मानो उस धारा के अधीन जमानत मंजूर की गई हो। तो मुख्य रूप से साधारण भाषा में हम आपको बता देते हैं एंटीसेप्टिक बेल 438 जो कि सेशन न्यायालय और उच्च न्यायालय में ही इसका आवेदन किया जा सकता है। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब करना ना भूलें। आवेदन का जो फॉर्मेट है हमने पहले से उसको बनाया हुआ है और आपको बताया हुआ है, उसका वीडियो अलग से दिया हुआ है। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका प्यार हमें कमेंट बॉक्स में मिलता रहे।